आए ये मानस खानी डान कित मर गई तू आए काले माथे आली अरे सोकटी मैग फूक दे चा कटो पतना बना कर देना नहीं अरे चुल लेकर चपटी रही है ले फूक ले इसमें कि मैं दो पतंगे शरम आती हो तो कि मैं चुल लेकर बैठी रही है चपटी आए ये बेटी आ गई आशा की जा रही थी ए माँ मैं मेरी काकी के नजर रही थी एक बारी आए माँ चा पी ली एक ही तो जजरी प्यावे थी या है इस मचिलम में पतंगा धन भेज रखी से माँ यह डंकड़ी मेरे भाई ने तो खा गई और जब मेरा बस चलता हो ना इसकी गिट्टी में गुठा दे दूँ ए बेटी बस तो मेरा भी कोरा चलता मन ने भी एक हना शू आती या माँ तू मेरी बात सुन और जुकुर मैं कहूँ ना तू नूकरे जाइए ठीक माँ इसकी तो इस घर में परछाई भी ना दिखन दू मैं ए वाह मेरी बेटी शाबाश आए फूक दियो भाई रोई ने त्री मां ने कि मैं सूर सिखा रखी सक नहीं अरी कट जावस है इस काम धंधे ने के त्री मां का लोग करेगा ये सारे बर्तन फोड़ ले ये लते धो ले और सारे आंगन में का झाड़ू काट दे चले मां कती मट्टी से काम का हाथ नहीं लगाती ए बेटी आशा जा देखिए कदे वा टसवे बन दियो काम धंधा करे सक नहीं जा देख लेख बे ठीक समा जाऊं सु देखू सु सन में अरे दो घंटे हो लिए ये बांटे नहीं फूट लिए तो टेप दिया कोड़ाने की लाग रही इन बर्तन न फोड़ने चार बर्तन ले रही से और ये नहीं मंजरी कर दो रहे भाई रोई रोन तेरे कति जीना आराम कर दिया मारा मेरे भाई ने तो तू खागी बिगड़ जाने ते शर्म नहीं आती तने शर्म नहीं आती तने हैं दूर हो जा मेरी नजरा से चली जा आए क्या तरो है माँ भाई ने मेरा मारे अरे क्या तो मेरे हछोरी का है शर्म ना आती तने इसने शर्म नहीं आती माँ इसने सतान लाग रे पहला दुख कम से इसके ऊपर अपना तो करकारी है ना साड़ा और करेगी शर्म आनी चाहिए माँ तुमने इतना नहीं सताया करते किसी ने आए एक तो खा लिया यू दूसरा भी काबू में कर लिया मारा तो केरा बेटी ब डंकनी आ गई माँ कती अपने घर में या भाभी तूने मत करे भाभी देख जो बन की मारी गेल वह तो भगवान की मर्जी भाभी मैं तेरी आंखें मासूम नहीं देखता भाभी ना भाभी तूने मत करे भाई ने कही थी तेरी भाभी की आंखें मासूम मत हण दिए मैं तेरे आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता भाभी भाभी मेरी माँ और मेरी भाण ने तो बोलने का ही ना बेरा तो उनकी काली मत मान्या कर तने जो कुछ भी चाहिए वो मने बता भाभी पर तू न्यू मत करे भाभी भाभी न्यू मत करे ना ना भाभी घर का काम मन ने फूकना पड़ रहा सै वाह वाह तो इतनी असुती पड़ी सै बेरा ना के मेरे तक कती कर्म फूट गए यार अभी आके ए छोरी दोबारा शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए ठीक समझ गई ना मैं तो समझ गई इम्मा ना समझाऊंगी आए के क्या गया सा यू नुकम्मा के कह सके सा मायो नुके है उगेला दोबारा मत लड़िए और माँ तन मैं फिर बताऊं सु इकिता आदत से बोकन की अपन तो अपना टारगेट पूरा करना से ठीक से तक कान करू रन आजा देख ले रही माँ इतनी नहीं उठली से
मैंने सारा घर का काम कर लिया, झाड़ू मन काट ली, बर्तन मन मांज दिए और जाकर पानी में भर लिया। ये बेटी क्या करूं? आए महारानी डट जा उरना। ओहो उठ के तो आ गई, न ठान जाना पड़ो एक करम जली के करके मानेगी नरभाग। एक न तो तू खागी, दूसरा तो न काबू में कर लिया, क्यों मारी छाती पे मूंग दड़ा सा तू? माँ जी इसमें मेरा के कसूर है, आप मैंने क्या तताने दो बात बात पे, और इसमें तो भगवान की मर्जी से। अच्छा कसूर भी कौन है मारा? घनी फालतू तो बोलना मत ना, और जुबान लड़ावे से दिमाग है, और पाछे ते हूँ मेरे भाई ने सिखावे है, जा के यो सारा काम धंधा कर ले। सही करे ना माँ? ठीक करे बेटी, कति नुए लेने खींच के। अच्छा पानी पीवे है, डट जा तना मैं पियाऊंगी गड्डो। ओहो पानी पानी तो भाभी सारा खिंड गया, और मटके में और पानी है भी कोन्या। तू एक काम कर, या ले इंडी और या ले टोकनी, जाकर भर लिया और सैड देनी चाहिए, सैड देनी आइए तदे लुगाइए के लड़ो बतरान लाग जा। घर की एक भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए, न तो अच्छी बात नहीं होगी। चाली बे सैड देनी जा, इन पाया का मेहंदी न लाग रही, बेरा तो नहीं लागेगा। बहुत भाई आग से कात लगाओ हमारी। हाँ जी दीपक का घर यही है। हाँ जी आओ जी। हाँ जी मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ सर। आओ जी साहब। माँ यू कौन आ गया? ए मन तो कोई ओपरा आदमी लग गए है। बैठो जी। हाँ जी आपके भाई दीपक ने है ना 9 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवा रखा था जी, और उनके जो पैसे हैं उनकी वाइफ को मिलेंगे, उन्होंने नॉमिनी उसको बना रखा है, एक बार उनको बुला दो मुझे साइन करवाने हैं। देखो जो हुआ है वो तो भगवान की मर्जी है। ए भाई कागज कार्रवाई उनके साइन से ही होगी। ए भाई हम तो क्या ही जोगे के नहीं रहे। बैठो जी आप, मैं बुला के ले आऊं हूं। भाई भाभी तो पानी न जारी से, और देखे उसने मैं नुकूती भाभी मैं भर ले आऊंगी, फिर भी चली गई। और मारी बहू तो है ना सारा काम आप भज भज कर रहे बेचारी, देख भगवान ने किसा दिन दिया। देखो मेरी भाभी आए गई, ले मैं ले आऊं उसने बुला के। बोझ मर गई होगी तू, ले मैं तरवाऊंगी। भाभी बोझ तो ना लग गया, ले फेंक दे इसने, और अपना कोई आदमी आ रहा है सैड देनी चाल तू। लो जी आ गई भाभी। भाभी ये इंश्योरेंस कंपनी ते है, भाई ने 9 लाख रुपया का इंश्योरेंस करवाया था, आप दस्तक कर दो एक बार। देखो जी ये तो हो गया, अब जितनी जल्दी हो सके आपके पैसे आते ही हम आपको बता देंगे। ठीक है जी? ठीक है जी चलो। ना बेटी रो मत ना, कल ही मत मानना। क्या बात था का हो, मैं सबके में जानू सू कि था मेरे तक के चाहो हो। अरे याद है थारा दिन जब इसने मेरे हाथ के गिलास का पानी तक ले लिया था। मैं सब कुछ तारे नाम कर दूंगी, ना चाहिए मन पीसा, यो भगवान मन ठाता भी कोन्या।
बाबी माँ मन्नत के में गड़बड़ मामला लग गया से। और ये 9 लाख रुपये ना हाथ जाते दिखे से कदे या मारे तत्ते से उड़ा जावे। आई की मैं बात पल्ले प्लान हमने दूसरा करना पड़ेगा। माँ करेगी कि मैं बतावेगी भी। माँ तो बात सुन बढ़िया डाड़ अपना भाई से तो उसने इसका पल्ले लगा दिया या भी आड़ रह जाएगी और 9 लाख रुपये भी आड़ रह जाएंगे। माँ किसा लग गया प्लान? एक नंबर का जमासा बस मेरी बेटी। छोरी भी तो किसकी जू मेरी। बेटा कर हाँ लिया? हाँ माँ। वो एक बात कहूँ थी। बता माँ के कह है। बेटा देख जो भगवान ने करनी थी वह तो देख कर दी। फिर मैं एक बात सोचू थी। साफ साफ बता माँ के कहना चाहो है। मैं नो कहना चाहूँ बेटा तेरी भाभी तेरे पल्ला ला दे। तने शर्म नहीं आती माँ है? कुछ सोच ले कुछ समझ ले फिर तो यह बात बोल ले तू। कुछ भी कहने पहले कुछ भी बक दे है। मेरे कहे तो दे छोरा मन्या को ना और अपने चाचा की बात कदे को डाले उस दो रजाऊं सु वो मना हुए इसने। चाचा राम राम। राम राम। और मोनू ठीक से? ठीक है चाचा। आओ चाचा किस्त्रिया आए। किस्त्रिया बेटा किस्त्रिया की बात न्यू है कि मैं आए की इज्जत रखे तो बात बने। बताओ चाचा इसी के बात होगी? यात्री माँ के मैं गलत बात ना कह रही। और मैं तक कहूँ थी देख ले लाल तू भी। बूढ़े बडेरे सही कहा करें उनकी इज्जत का मान रखना तेरा फर्ज बने है समझा। और देख तू यो काम आज नहीं करेगा ना बता इस घर की बंस बेल क्यों कर चाल लगी। यह मैं कहूँ सु बेटा। चाचा। ओहो मैं समझू हूँ कोई बात नहीं कुछ काम है ना अपनी खुशी के लिए नहीं समाज की खुशी के लिए भी करने पड़े। देख ले बेटा। चाचा मैं इस काम तक कति राजी नहीं देख ना बेटा तने करना पड़ेगा मान्या कर। दोनों बड़े त्याग कर बैठे से ठीक से मान मेरी भी ठीक है चाचा। हाँ शाबाश सुथरी डाल रहो घर ने चला। भाई भाभी का क्या होया? बेरा ना बेबे पेट में दर्द हो रहा है डॉक्टर के जाऊं हूं। मैं भी चालू नुकरूंगी मैं पकड़ लूंगी इसने। देखे छोरी इन बातों का जिक्र घरा नहीं होना चाहिए। जे माने बेरा लाग गया ना तने बेरा फिर थारे कहे तो मैंने सब कुछ मान ली थारी ये भी इसमें इस बेचारी का के दोष है ध्यान रख लिए भी तू इस बात। ठीक सा भाई मैं घरा कुछ ना बताऊँ माँ आग गए तू चिंता ना करे।
हेलो। हाँ बेबे। हाँ ना बेबे, रास्ता तक कोन्या इबतवा बाई आली बहू है ना, वाह बाई का पल्ला लगा दी छोट ले गए ते इब तक कोन्या ले सकते है 15 लाख। अच्छा तो ठीक से ले, मैं एक बार अपनी मारता बात करूँ सू, फिर बताऊंगी तने, उन्ने मना मत करिए इबे। ठीक से, ठीक से बेबे। 15 लाख, कम तो कम 5 लाख तो मने मिले करू के। हाँ ईब नंबर है प्लान नंबर 3 का, जिसमें सारा सौदा आर और पार हो जाएगा। माँ ए माँ, ये माँ 15 लाख आ गए। माँ ए माँ, एक बात बताऊं? ए माँ पर किम फायदा कौन है बताने का? ये बता तो केस है उसका ना, मेरे ताऊवाड़े का फोन आया था बबली का। के का थी? वाह ना भाई के रिश्ते की कहा थी। तू कित बोल रहा है? क्यों माँ? यू गाम थुकागा के मारे मुँह बक्के कारी है तू? गाम राम क्या तो थुकागा? नू बता मने। और तने असली बात का तब बेरा कौन है? कौन सी? वाह ना न्यू क्या वे थी? बेबे रिश्ता तक करवा दूंगी और कवारी छोरी से ऊपर ते 15 लाख तो देश देवेंगे। ये 15 लाख तो देंगे, इसने कड़ा बिठाऊंगी। के का गयु बाम गुआंड? हे माँ इसका तक करवा देंगे तलाक। ठीक से, और असली बात तो मन तब बताई को न्या? उस दिन नहीं गए थे हम, डॉक्टर का गए थे, तो डॉक्टर ने नू कही थी इसका बालक को न्या हुए, ते मार दो रे बन्ना भी से और मौका भी से। ईब तो चाहिए गाम है ना, अपनी सीती सी करा का मर लियो, मैंने रखा कर दी बिसने। ठीक समा, तू प्लान ने चालू कर दे इब्बत है। ठीक करिया बेटी। ठीक से, ठीक से आ जाते। अरे तने तो बड़ी धोखे में रखी मैं। के बात होगी माँ? अच्छा तू डॉक्टर के गया था, डॉक्टर ने के बताई तेरे? तो तने बताई मेरे ताक है, अकिया माँ नहीं बन सकती। किसने कही है तेरे ते ही? मेरे ताचे किससे ना बताई हो, तू बता मने। देख माँ, ना बन सकती या भगवान की मर्जी से, और मेरे तो आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं से। देख मेरी बात सुनो भाई, जब ये माए नहीं बनेगी बस बेलिन चलेगी तो क्या फायदा इसका? तने न्यू कही इस गेला ब्याह कर, मैंने तेरी बात मानी ना, अरीब तू न्यू कहने लाग रही इसने तलाक दे दे, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर से? ये तो भगवान की मर्जी से। जबकि मैं जम्मा ही नहीं की तो मैं क्या करूँ इसका? अच्छा टोक दा रुक रखूँ? बात सुन माँ, और कुछ नहीं कह देगी ना, और कुछ हो जाएगा। ठीक से? ठीक से भाई। दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, नाश करेगी तू इस घर का एक दिन। समझ में नहीं आती बात सारी आना मेरा ना के? अरे क्या छोरी अपना तो उजाड़ कर रही है, हमारा और उजाड़ गया है। ये माँ कह रहा गई थी तू समझाने? एक कह रहा था कि तमन्ना था वो मेरी। क्या तने बेरा ना जिसा अनाड़ी से वो के बोलया इबे नाट गया बेबे? बस यो है ता तेरा लाल, देख्या तेरे बस की कुछ ना से, तू से नरी बोलन बोलन की। मेरी सुन बेबे, तने मत देखिए कोन्या, ईब देख आर चपार ये मेरे हाथ देखूंगी किसा के तीर मारेगी तू ईब की बार। लगा दी साग तो मन 5 लाख मिलेंगे जय बाबा की। खीर बनाई थी ना आज, ले खीर में मिला दिया मेरी तलाकन, ले तेरी आज या आखरी खीर से। ओहो घनी करड़ी भूख लग रही से, ढूंढ लू के मैं खाने पीने का। क्यों नहीं दरा इमे केस है? ओ बेटे खीर
मेरी माँ ने मेरे खातर बनाई से दिखा ले खा लियो। ओह मेरा तो हो गया पेट फुल। आहा स्वाद आ गया भाई। इब नू करूं थोड़ी देर आराम कर लूं, पेट तो हो गया फल। खीरे तो खाई थी, पेट तो कुती कटन हो रहा है। चल भाने डॉक्टर के ले चलूंगा। ना भाई ना भाई चल ये चाल एक बार दिखा लेंगे। ना भाई ना मां ए बेटी मन्ना भाई और बाबी कुछ ना हुए दोनों का बसन ना दिया। मन्ना अपना पूजा मन्ना अपना तो उजाड़ दिया और तारा भी उजाड़ना ही थी। ऊपर आले ने मेरी गलती की सजा मरते दे दी। पूजा चलो उस मुन्ने को चलो इसने ना ना भाई बस मेरी आखिरी इच्छा यह है कि तुम दोनों साथ रहो। माँ इन्ने करते भी अलग मत करिए। आए बेटी मेरी करने की सजा तो न मिल गई। ये बोल पड़े तू रोले तू माँ नहीं तू डैन है डैन है तू डैन। आप सभी को जैसा कि आपने इस नाटक में देखा कि एक माँ और एक बेटी दोनों मिलके एक परिवार को बिगाड़ रहे हैं, बहू बेटे को अलग कर रहे हैं, उसके साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक नाटक था, आप ये चीज रियलिटी में ना करें और फैमिली में खुश रहें और फैमिली को बर्बाद ना करें, फैमिली को आबाद करें। अगर आपको ये हमारा नाटक पसंद आया है तो प्यारे प्यारे कमेंट करें। और प्यारे दोस्तों हमारे विक्की नारंग जी का ये प्रयास रहता है कि हम ऐसी नाटिका बनाएं चाहे वो कॉमेडी है या वो मार्मिक है कि उसको पूरा परिवार बैठ के देखे। हमारा यही प्रयास रहता है कि आपका मनोरंजन करते रहें, ऐसी शिक्षाप्रद कहानियां आपके बीच लाते रहें और सुपरटोन रीजनल आप सभी दर्शकों का ऐसे ही मनोरंजन कराती रहेगी, ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानी आप लोगों के बीच लाती रहेगी। जय हरियाणा जय हरियाणा।